अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाज़रीन, माशरे में अगर बात करें तो अखलाकी गिरावट की जो इस वक्त सूरत हाल है, हमारे माशरे में जिनसी जराइम इस कदर भर चुके हैं। अगर पंजाब में ही अगर जिनसी जराइम का ग्राफ उठाकर देखा जाए तो होश रबा इंकशाफात के साथ एक इतने बड़े केसेस तादाद में होना शुरू हो गए हैं कि इस पर जो हमारे घरों में खवातीन या गली मोहल्लों में जो चलने वाली खवातीन हैं वो भी इस वक्त एहसास जो कम तरीका शिकार हो चुकी हैं। शरकपुर के थाने के ही हदूद में एक पुरानी भीनी नाम जो एक गांव है, वहां पर एक बच्ची 7 साल बच्ची घर से सौदा सलफ लेने के लिए गली में जाती है और दोबारा वो बच्ची वापस नहीं आती। पुलिस पर रिपोर्ट करने के बाद FIR हो जाती है, लेकिन अगले दिन उस बच्ची की दरख्त से लटकी एक लाश बरामद होती है। आइए, वो जो मुलजिम है जिस बच्ची को कत्ल किया गया वो भी यहाँ पर मौजूद है, SHO साहब भी मौजूद है और इंतहाई कलील वक़्त में वो मुजरिम गिरफ्तार किया जाता है। इसी बारे से हम बात करते हैं, मुजरिम से पूछते हैं कि आखिर वो इस जुर्म के बाद अब इस दुनिया में वो किस तरह से जी रहा है। चंद दिन कबल जो बच्ची 7 साल बच्ची माफिया जिसका नाम था, बड़ी बेदर्दी से उसको जना की नीयत से अगवा किया गया और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। मेरे साथ उसका मुलजिम मौजूद है जिस मुलजिम ने ये सारा वाकया उसके साथ किया और बड़ी चलाकी से उस FIR के अंदर गवाह भी मौजूद रहा, और लेकिन उसको शायद अंदाज़ा नहीं था कि जुर्म कभी भी छुपता नहीं है। क्या नाम है आपका? गुलाम अली। गुलाम अली, कहाँ के रहने वाले हो आप? मल्ला गरीबाबाद। गरीबाबाद, ये शरकपुर के पास ही है? हाँ जी। क्या करते हो आप? मैं सब्जी का काम है। कितने बहन भाई हैं आपके? ऐसे 5। क्या बहनें कितने और भाई कितने? 4 बहन है 5 भाई, यानी कि 9 जितने हैं जी। 4 बहनें और 5 भाई। अच्छा, मुझे बताओ ये क्या सारा मामला क्या है, ये जरा बताओ जरा मुझे। मैं तो गया था पिंड, पिंडों ले आंदी कुड़ी घरों बाहर निकली शहर लैन, घरों मेरे नाल बह के फिर मोटरसाइकिल पर बह के आ गए थे, मतलब गेमगढ़ी आ गए थे, उतो फिर उन्होंने मारिया गया से, शाम का टाइम हो गया से। अच्छा, उस तो बाद मेरे को भजी दौड़ लाई है। किया क्या तुमने? मैंने उन्होंने मजाक किया, मजाक मना दी मेरे ना कर। अच्छा। मजाक ना कर, मैं घर जाके दसना, तो हथ छड़ के नस पे से। अच्छा। नस गए तो मैं फिर फड़ लिया रहा, जो तो फड़ के फिर मैं गला कुटिया। अच्छा, इस तरह का मजाक घर भी करना उन्हें, क्योंकि तेरी दसिया कि भैना भी ने तेरी, इस तरह का मजाक करना घर भी? नहीं नहीं। अच्छा, जो तू ए कर रहा सै उस बच्ची मामला जी, कोई माँ या भैन का कोई चेहरा आया कोई जहन के बीच? नहीं। कि मेरी भी घर माँ है, मेरी भैन ने आया इस तरह का जहन? नहीं। भाई यार वास्ते दरखास्त जी दी गई है ओदे बीच भी तू बिल्कुल शामिल रहा है, की सोच रहे कि शायद मैं बिल्कुल बच जाऊंगा? मैं दुकान दे आया, दुकान लवा के ते फिर मैं मेरे अकबाल ने बुलाया भी इतने आ ता खाने के कोल आके ना अपना लिखवा तो ना लो जमानत ही भन बिच, फिर मैं इतने आके अपना ना लिखाया से जमानती बनया था। अच्छा, यानी कि तेरा है नहीं सी लेकिन उन्होंने किसी ने तेन कहा तो तू जमानती बनया? हाँ जी। अच्छा अच्छा, जी तू मजाक ही कर रहा सा जिस तरह तू कह रहे कि मैं मजाक कर रहा सा, तो तू उन्होंने मारिया क्यों? हाँ जी, मैं घर जाके दसा तो मेरा मजाक करना पे। अच्छा, तो मेरे हाथ हाथ छिड़ा के नस पे मेरे को। अच्छा, तो फिर मैं पिछले जा मारे तो पहले की किया मजाक ही करता है। मजाक की किया तू? मजाक कपड़े मैं लांदा पैसा उन्हें नहीं लान दिते। अच्छा, कपड़े लान तो पहले फिर तू की किया? उन तो पहले कुछ भी नहीं सी किया, कपड़े ला के नस पे मेरे को। अच्छा, तो मैं फिर पिछले जा उन्हें फड़िया से। अच्छा, तो उन्हें मैं फिर गला कुट दिता, यानी कि तू सिर्फ ओदे कपड़े उतारे ने तू उस तो बाद ओदे पीछे नसे है और ओदे के तू मजाक कर रहे है तो तू जरा ओदा गला कुटता है? हां जी। अच्छा, गला कुटन तो बाद तेरे नाल उथे उस टाइम और कोई मौजूद सी? नहीं जी, और कोई नहीं सी। ते तू उस बच्ची नु फिर दरख्त ते किस तरह उथे टकाया? दरख्त दे उथे ऐसे टकाया सी कोई कुत्ता कोई बिल्ला कोई उनो खा ना जावे ना कोई मुंह ना मारे, जो के ऐसे उथे राजता कोई नंगन वेले भी किसा, यानी कि तेरे से इंसानियत है ऐसी हाले थोड़ी जी, तू कहे कि मैं कत्ल करन तो बाद फिर हैगा कि एदी लाश नु कोई ओदा मसला ना करे ओदी नुकसान ना पहुंचाए, किसे ध्यान पै जावे कोई पता लग जावे आग चुक ले। हां जी, ये जो वाकया तू कीता है तू अपने घर दे किन्ना दूर से है उस टाइम? घर बाबा दूर से मेरा। अच्छा, ते जो उस बच्ची ने शोर मचाया किसी नु पता नहीं लगा? नहीं, उसे कोई भी सानी है। किस टाइम दा वाकया सी? शाम दा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कितनी तसल्ली से ये बंदा अपने किए हुए जुर्म की सिर्फ माफ़ी मांग रहा है और ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में SHO साहब ने जो किरदार अदा किया वो वाकई काबिले तारीफ है। तो इस वक्त चलते हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर और किस तरह से उन्होंने इस मामले को सारा टैकल किया। सर, आप मुझे बताएं कि ये जो इंसानियत सोच वाकया हुआ है
इतना मुश्किल जो आपके साथ ये केस आपके सामने पेश आया कि आपके पास जो मुजरिम था वो FIR के अंदर गवाह के तौर पर शामिल था, किस तरीके से इसको इतने शॉर्ट टाइम में आपने ये सारा मामला किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये जो बच्चों के मामला था ना, इस पर तकरीबन पुलिस बहुत ज़्यादा एफर्ट करती है। ये ज़ाहिर है जो कसूर के वाक़ात हुए हैं उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इस पर ना काम वर्क शुरू हो जाता है। जैसे ये हमारे पास आया, मुंदई मुकदमा दर्ज हो गया, जब ये डेड बॉडी हमें मिल गई, मुंदई मुकदमा आ गया, तो फिर ज़ाहिर है हमने तो गवाह को टच करना था। वो कह रहा था कि तीन आदमी आए, मोटरसाइकिल पर आए और बच्ची उठा के ले गए। जब हमने इसको टच किया तो ये ना स्लिप होना शुरू हो गया। मुदई जो था उसको मैंने कहा यार ये तेरी FIR का गवाह, इसको बुलवाओ, इससे हमने पूछना है कौन आदमी थे, किस तक कलर के कपड़े थे, क्या हो लिया था। इसने भी, मुदई ने कॉल की तो ये फिर भी ना नहीं आया। इसने, मैंने दोबारा बात की इसके नंबर पे तो किसी और को इसने मोबाइल दे दिया और वो कह रहा है जी ये तो डरा हुआ है, ये घबराया हुआ है कि मैंने ऐसे ही शहादत लिखा दी है, मुझे तो पता ही नहीं किसी बात का। ऐसी वैसी बातें शुरू हो गई तो थोड़ा शक हो गया। बाद में जब हम मदई के घर गए ना जी, वहाँ से ये 1 किलोमीटर का फासला बनता है वकुआ का, जहाँ वकुआ है वो उसके घर के आसपास जितने हैं ना वो जंगल टाइप ही एरिया है। वो समझ आ रही थी कि अगर किसी ने बच्ची के साथ इधर ऐसा करना था तो वो इधर ही कर सकता था। इसमें दो चीज़ें तो साफ हो गई, वाजह हो गई कि एक तो वो बंदा जो इस बच्ची को ले गया है वो इस बच्ची को बिल्कुल करीब से जानता है, बच्ची उस पर 100% अतमाद करती है। दूसरे नंबर पे जो इस बाग में ये वकूआ हुआ है, इस बाग के साथ मुलजम का कोई तल्लक ज़रूर है, वो इस बाग में अतमाद के साथ ले आया, वरना उधर भी किसी जगह पे वो कर सकता। बाग से हमने पता करवाया कि ये बाग किसका है, तो उन्होंने बताया ये जो गवाह है ना इस मुकदमे का गुलाम अली, उसका बाप इस बाग वाला जो है इस बाग में मुलाजमत करता है। तो शक मजीद बढ़ गया, तो फिर हम ना इसके पीछे लग गए। हमने 2-3 घंटे बाद इसको उसके बाप को कहा, फ़ोन करवाया, बाहर आ गया, हमने पकड़ लिया, वो इंटरोगेशन शुरू हो गई। CDR हमने इसकी फिर ले ली दस्ती। RPO साहब इधर मौजूद थे, सारे अफसरान, DPO साहब, SP साहब उधर बैठे दफ्तर में जबरदस्ती कर रहे थे। CDR जब आ गई, इसको हमने पूछा कि 28 तारीख को आप किधर रहे हो सारा दिन? इसने कहा जी मैं तो दुकान पर रहा हूँ, मैं निकला ही नहीं दुकान से। CDR पे इसकी लोकेशन आ रही थी 11:30 पे उस बाग में, 3:30 उस बाग में, शाम 7:30 उस बाग में। तो ये तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि ये गलत बयान नहीं कर रहा है जी। मैं तो फिर SHO हूँ, मैंने खुद ये वर्क किया है, भाग दौड़ की है, जागते हैं अभी, ये आज 3री रात आ रही है, अभी तक तो मैं नहीं सोया, ठीक है ना जी। उसके गरीब आदमी है, इंतहाई गरीब आदमी है वो भी, उस और सारी मेहनत भाग दौड़ तो खुद करता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा की बच्ची की हालत देखी है और ये वकूआ देखा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। ज़ाहिर है हमारे भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। नाज़रीन, मैं उस बच्ची के घर के बाहर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे अक्म में उस बच्ची का जो घर है और उसके वालिद और उसकी वालदा भी यहाँ पर मौजूद है। ये छोटा सा एक कच्चा सा मकान है बिल्कुल, जो गाँव के तकरीबन बाहर ये घर मौजूद है उनका। जो माफिया जो बच्ची थी उसके वालिद साइकिल पर फेरी लगाते हैं और छोटा सा उनका काम है, तो इतनी बेदर्दी से जो उनके साथ, माफिया के साथ जो वाकया आया, इसी वाले से मैं उनके वालदन से बात करता हूँ कि आज का जो उन पर दिन है ये, और मुजरिम पकड़ा गया, किस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजरी है ये सर बताइएगा। बहुत अफसोसनाक वाकया है, दिल जब हमें लाहौर में ये बात पता लगी, हमारा दिल इतना ज़ख्मों से चूर हो चुका है कि इस पर बात करने से भी शर्म आती है। क्या कहेंगे? और मुझे पता लगा है कि ये आपके अजीज़ भी हैं जिसने ये मामला किया। जी वो हमारे अजीज़ भी हैं और दूर के रिश्तेदार भी हैं, लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हमारी बच्ची को बड़ी बेदर्दी से मारा गया और बाद में सफ़ेदों के ऊपर कहीं लटकाया गया, तो हम बहुत देर तक जहाँ रुके रहे और पछताते रहे कि क्या बनेगा। अब मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस इंसान ने भी ये सब कुछ किया, सदर आला, सदर पंजाब, हम उनसे अपील करते हैं, मैंने और MPA साहब से, SHO साहब, DSP साहब, सब से हम बड़े मशकूर हैं, हम सब से अपील करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ पूरा तावन करे और इस जुर्म को यहीं ख़त्म किया जाए।
ताकि कहीं आगे बढ़े और भी कहीं किसी का घर ना बर्बाद किया जाए। जी बाजी बताएं कि क्या बच्ची से किस तरह प्यार था आपको, आपकी बच्ची कैसी थी? बच्ची बहुत अच्छी थी, प्यारी थी, माँ बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है। तो हमें इंसाफ चाहिए, वज़ीर-ए-आला से हम अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाएं। अच्छा तो जो भी है इतना जुल्म जो उसके साथ हुआ, क्या आपको यकीन था कि जो आपका मुल्ज़िम है आपके साथ साथ चलता रहा तो वो इस तरह से आपकी बच्ची के साथ करेगा जुल्म? नहीं, हमें पूरा यकीन था कि हमें उन्हें हमारे हैं जो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो लेकिन किसी का क्या भरोसा, हमें क्या पता था वो ऐसे निकलेंगे। अच्छा, हमारे साथ ऐसा किया जाएगा। हमें हमारी यही गुजारिश है आप लोगों से भी, वज़ीर-ए-आला से भी, MP MLA से भी यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए। तो नाज़रीन आपने सारी बातें सुनी, वालदैन का जिगर पोछा जो इस दुनिया में नहीं रहा। एक कमरे के मकान के अंदर आज से 2-3 दिन कबल खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारने वाले लोग आज इस घर में अपनी ही बच्ची के लिए इसाले सवाब के लिए तस्बीह यहाँ पर कर रहे हैं। नाज़रीन बच्चियों के मामले में जितना किसी पर एतमाद करेंगे, जितना किसी को स्पेस देंगे, उतना ज़्यादा नुकसान उठाएँगे। इस वाक्य के साथ साथ वालदैन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। खुदारा अपनी बच्चियों को गाइड करें कि अपने साथ होने वाली ज्यादती पर आवाज़ बुलंद करें, अपने साथ होने वाली ज्यादतियों हरासमेंट को रोकें, और जब वो खुद आवाज़ उठाएंगी तो यकीनन उनकी इज्जत भी महफूज रहेगी। देखते रहे बागी TV। फाइज़ चुगताई को इजाज़त दीजिए।